आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक ट्रेंड कैसे काम करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज पीरियड्स में क्यों होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ग्रुप्स में क्यों होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के दरमियान थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या है और एटॉमिक साइज आपकी डिक्रीज ग्रुप्स में नहीं होती, पीरियड्स में इंक्रीज होती है और ग्रुप्स में डिक्रीज होती है और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज के दरमियान कौन सा कोरिलेशन है जिनको समझने से हम दोनों को समझ लेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि फेरेंशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोएस्ट है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, उनका आपस में क्या रीजन है और क्या कोरिलेशन है और उनके पीछे क्या लॉजिक और आंसर है। लास्ट में हम समरी ऑफ द पीरियडिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं चैनल सीखो आसानी से। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलो चलते हैं मुद्दे की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हमारी पीरियड्स में क्यों होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ग्रुप्स में क्यों होती है। इंक्रीज ग्रुप्स में इसलिए नहीं होती क्योंकि ग्रुप्स में हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज आपकी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, पहले हम उसको जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरअसल एक टेंडेंसी होती है एटम की जिसके जरिए से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एटम के पास जो सलाहियत है हम उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने या एटम को एक ऐसी कुवत या ऐसी टेंडेंसी जो लूज करने के लिए वो इस्तेमाल करता हो, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो टेंडेंसी रखता है हम उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। ये याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक ही चीज है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी का ऐसा अमाउंट है जो इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से रिमूव करने के लिए दिया जाता है। मसलन हमने किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है तो फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम देंगे वो एनर्जी दरअसल आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। या फिर आप ऐसे कह लें कि आयोनाइज करने के लिए किसी भी एटम को जो पोटेंशियल एनर्जी दी जाएगी वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है। जैसा कि हमने कहा कि एटॉमिक पीरियडिक टेबल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए एटॉमिक साइज की ट्रेंड्स को जरूर पढ़ना पड़ेगा, तो अब हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है ग्रुप्स में और इंक्रीज होती है पीरियड्स में। इंक्रीज पीरियड्स में इसलिए होती है क्योंकि पीरियड्स में हमारे ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स हमारे बढ़ते जाते हैं, या हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन फ्रांशियम। जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, जैसे जैसे एलिमेंट्स के ऑर्बिटल, जैसे जैसे एटम्स के ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी साइज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बढ़ेगा तो ऑर्बिटल्स का भी तादाद बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स का तब बढ़ता है जब एटॉमिक मास बढ़ता है और एटॉमिक मास हमारा पीरियड्स में ग्रुप्स में हमारा एटॉमिक मास बढ़ता है। तो अब उनके दरमियान थोड़ी कोरिलेशन पढ़ते हैं, उससे हमारे लिए और भी समझना आसान हो जाएगा कि क्यों इंक्रीज और क्यों डिक्रीज और कहां और क्यों होती है। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास आप देख सकते हैं बिल्कुल एक डॉट जितना है और यहाँ उसकी एटॉमिक साइज सॉरी, और उसके पास हमारे पास है सीजियम। अब सीजियम का एटॉमिक मास ज्यादा है इसी वजह से उसके ऑर्बिटल्स ज्यादा हैं। मिसलन उसका एटॉमिक मास अगर ज्यादा होगा तो उसके बाहर के ऑर्बिटल्स जो होंगे उसके आप देख सकते हैं यूं उसके बाहर बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे उसके एटॉमिक साइज बढ़ेगी ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के बढ़ने से कम क्यों हो रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ के इस एट्थ ग्रुप के अंदर भी यही सेम चीज है कि इंक्रीज हो रहा है क्या एटॉमिक साइज, और यहाँ फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी इंक्रीज हो रही है एटॉमिक साइज विद रेस्पेक्ट इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक मास।
आप देखें कि यहाँ हाइड्रोजन 1 है और जो भी एक एटम है उसका जो न्यूक्लियस होता है, अब हम इस आंसर को देने जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटॉमिक साइज से कौन सा रिलेशन है। एक एटम है बिल्कुल इस जितना छोटा है, उसके अंदर न्यूक्लियस ये है मसलन, और दूसरा है, या आप यहाँ देख लें इसकी जगह, ये आपका हीलियम है, इसका न्यूक्लियस आप इस पॉइंट पर समझ लें जहाँ रेड डॉट है, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड रेंडन, और ये आपके पास है रेंडन। इसका न्यूक्लियस आपके पास यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और हीलियम के पास भी यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है बिल्कुल एक सेम मुफासले पर। आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप देख सकते हैं, हीलियम जो है इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से जल्दी गेन कर लेगा, और ये जो क्रिप्टॉन है इस इलेक्ट्रॉन को गेन कम कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि इसकी न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स ज्यादा हैं, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो इसको एनर्जी देने के लिए, लगाने के लिए इसके पास इतनी खासी एनर्जी नहीं है। जबकि ये जो आपके पास हीलियम है, या फिर इसको एक समझ लें कि ये इसका जो न्यूक्लियस है वो तकरीबन इस इन्फ्लुएंस, इसके सर्कल ऑफ द इन्फ्लुएंस में वो चीज़ आ रही है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ रही है वैसे वैसे उस न्यूक्लियस को जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है, एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है वो कम हो रही है। आप ये अगेन बात समझ लें कि जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत कम होती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सलाहियत कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, साइज कम होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, साइज ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन दूसरों को अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, पीरियोडिक टेप ट्रेंड्स जो हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, उनमें जो फ्रेंशियम है वो आपकी लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखती है, और जो फ्लोरीन है उसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं, आपके पास ये पूरा सा ग्राफ है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज बिल्कुल कम है, और यहाँ फ्रेंशियम, आप इसको मान लें इस फ्रेंशियम की साइज बिल्कुल ज्यादा है, और हमने कहा था जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। अब फ्रेंशियम की साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। अब इसकी देखें फ्लोरीन की, फ्लोरीन की साइज बिल्कुल कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ आ गया होगा। इसकी समरी हम ट्रेंड्स की ये थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज होता है ग्रुप्स में, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ग्रुप्स में। अब ये एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम एक दूसरा सा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जहां हम आपको यही इन सेम ही ग्राफ को थोड़ा सा एक नए नमूने से पेश करके, मतलब ग्राफ्स के जरिए से हम आपको बताएंगे कि उनकी जो साइज है वो बिल्कुल कम क्यों होती जाती है एटॉमिक रेडियस की पीरियड्स में। आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है पीरियड्स में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पीरियड्स में इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज पीरियड्स में होती है। तो हम इनको और डिटेल्ड वीडियो इनको पढ़ने के लिए हम करेंगे, लेकिन आप ये समरी आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इसको आप ज़रूर गहराई से पढ़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये टॉपिक समझ आ गया होगा। देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, सीखो आसानी से।